नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कश्मीर में हवा बदल गई, कश्मीर में समय बदल गया। कश्मीर में 370 निरस्त होने के बाद घाटी पूरी तरीके से बदल गई, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा घाटी से आ रही तस्वीरें बयां कर रही है कि कश्मीर में किस तरीके से 370 हट जाने के बाद से बड़े बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। बता दें आपको कि जिस कश्मीर में कभी सिर्फ आतंकवादियों का आतंक होता था, आज उसी कश्मीर में के आप कह सकते हैं कि हवाओं में स्वतंत्रता है, और आज उसी कश्मीर में अब मिस वर्ल्ड जो है, हसीना जो है, खूबसूरत आप कह सकते हैं कि लोग जो है जा रहे हैं वहां पर, उसका लुफ्त उठा रहे हैं, और ऐसा ही देखने के लिए इस बार मिला। हम कश्मीर कैसा है, कैसा उसका एसेंस है, ब्यूटी क्या है, वो हम महसूस कर पाएंगे और पूरी दुनिया को बोलेंगे। यही रीजन होगा मिस वर्ल्ड भी हो रहा है तो पूरा दुनिया देखेगा देश क्यों। कश्मीर के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत गर्व की बात है कि दुनिया के, विश्व भर के अलग अलग देशों से बहुत सारी ब्यूटी, मिस वर्ल्ड, मिस कैरेबियन, मिस अमेरिका, मिस इंडिया आज यहाँ पे हैं। प्लस मिस वर्ल्ड की सीईओ जूलिया मोरे भी उनके साथ यहाँ आई हैं। प्लस उनको अभी आपने देखा डल लेक में, उन्होंने शिकारा राइड की और उनको बहुत सुंदर लगा। कश्मीर जिसको हम हमारे देश के सर का ताज कहते हैं, जन्नत कहते हैं, आज हमारे लिए बहुत अच्छा गर्व की बात है कि वो अलग अलग इतने दूर देशों से आज कश्मीर को की ब्यूटी और हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करने के लिए आई हैं, और एक अच्छा मैसेज लेके वो बाहर जाएंगी, हमारे देश के बारे में अच्छी बात करेंगी, कश्मीर के बारे में बताएंगी, यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, कैसे यहाँ के लोगों से मिली, उनको अच्छा लगा, निशाद बाग भी गई थी। सो आई थिंक ऑल इन ऑल, अगर छोटी छोटी कोशिशें इंसान करता रहे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हिंदुस्तान में लोगों को दिखाने के लिए। और क्योंकि मैं कश्मीर की बेटी हूँ तो मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि कोई अच्छी चीज़ जब हमारे देश में आती है, जैसे G20 हुआ था कश्मीर में, तब भी मैंने यही कहा था कि अलग अलग देश के कोनों में G20 हो रहा है और आज यहाँ कश्मीर में हो रहा है, तो एज इंडियंस, एज कश्मीरीज, वी शुड फील प्राउड। और अतिथिदेव भव का जो हम नारा है, जो हम फॉलो करते हैं, आई थिंक वो हमें करना चाहिए। और PME एंटरटेनमेंट जो कंपनी है, उनके चेयरमैन मिस्टर सैदी भी साथ में आए हुए हैं, तो आई थिंक इट्स ऑल रियली नाइस। सो लेट्स कीप दिस पॉजिटिविटी ऑन एंड वेलकम मोर एंड मोर पीपल टू कश्मीर, जिससे हमारे टूरिज्म को और ज्यादा बूस्ट मिले। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलासबक जो है वो वहां पर गई और वहां पर श्रीनगर पहुंची और कश्मीरी व्यंजनों का लुफ्त लेते भी नजर आए। पहली बार हुआ है ऐसा जब कोई अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता और मौजूदा मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलासबक सोमवार को जो है कश्मीर पहुंची है, यानी आज कश्मीर पहुंची है। वह एक कार्यक्रम के लिए एक दिवसीय दौरे पर श्रीनगर आई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कैरोलिना बिलासबक के कश्मीर दौरे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जरा इस पर भी नजर डालिए कि किस तरीके से जो है मिस वर्ल्ड इंडिया सीनी शेट्टी और मिस वर्ल्ड कैरिबियन एमी पेनक्स ने कश्मीरी व्यंजनों का भी आनंद लेते हुए नजर आ रही हैं तस्वीरों में। जी हाँ, इस साल भारत मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है और ये बड़ा मौका है, उसे 3 दशकों के बाद मिलने जा रहा है। इससे पहले 1996 में हुई मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन को भारत ने ही होस्ट किया था और अब फिर से उसे यह मौका मिला है। यह प्रतियोगिता साल के अंत में होगी। वहीं इस कंपटीशन से पहले मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलासबक कश्मीर पहुंची हैं और वहीं G20 समिट से पहले मिस वर्ल्ड का यह इंडिया टूर कई मायनों में खास है। वहीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करें तो यह ब्यूटी पेजेंट भारत की कई बार जीत चुका है। 1966 में सबसे पहले रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी है और इस मौके ने भारत को इंटरनेशनल मंच पर गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। इसके बाद मिस वर्ल्ड का ताजा सजा 1994 में ऐश्वर्या राय के सिर पर जो है ताज सजा था और 1977 में डायना हेडन और 1999 में युक्ता मुखी, यानी 90 के दशक में यह मौका 3 बार भारत को मिला। वहीं साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा, 2017 में मानुषी चिल्लर ने मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता जीती। वह इस बार भी भारत ने कमर कस ली है, तैयारी पूरी है, ना सिर्फ मेजबानी की बल्कि इस बार भी ताज अपने सिर सजाने की।
कई देशों की सुंदरिया साल के आखिर में एक महीने तक भारत में रहेंगी और मिस वर्ल्ड का ताज पाने के लिए एक दूसरे पर भिड़ेंगी भी। ऐसे में कश्मीर की वादियों का लुफ्त उठाती हुई नजर आई, जैसा कि हमने आपको कहा कि मिस वर्ल्ड है कैरोलिना, और कैरोलिना कश्मीर में और भी आप कह सकते हैं जगहों के मिस वर्ल्ड के साथ नजर आई। यहाँ पर लोग फोटो खिंचाते नजर आए, काफ़ी खुशी का माहौल था और लोग बेहद ज़्यादा इस माहौल को इंजॉय भी कर रहे थे, ये कहना गलत नहीं है। अब जैसा यह वीडियो सामने आया, इसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी है, लोग कह रहे हैं कि बहुत बदल गया है कश्मीर। आपको बता दें सैला रसीद जैसे लोग, विपक्ष के नेता जो ये कहते हैं कि आर्टिकल, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग जो कहते हैं कि आर्टिकल 370 हट जाने के बाद काफ़ी जो है कश्मीर में परेशानियां हो रही है, लेकिन कश्मीर की कहानी अलग हो चुकी है। अब वो कश्मीर नहीं है जहां कर्फ्यू लगते हैं, वो कश्मीर नहीं जहां पहनने की आज़ादी नहीं, जहां बोलने की आज़ादी नहीं, जहां कुछ करने की आज़ादी नहीं थी। आज कश्मीर वो है जहां जाने की भी आज़ादी है, जहां वीकेंड मनाने की भी आज़ादी है, जहां स्वतंत्र हवा में सांस लेने की भी आज़ादी है, जहां भारत माता की जय बोलने की भी आज़ादी है, जहां लाल चौक पे झंडा फहराने की भी आज़ादी है, और जहां एक महीने की मिस वर्ल्ड अगर ट्रिप पे भी रहती है, यहां पर घूमने फिरने जाती है, तो उसकी भी आजादी है, पहनने की आजादी है, खाने की आजादी है, और अब कश्मीर की हवा जो है वो भी आजाद है टेररिज्म से और आप कह सकते हैं कि गलत और गंदी राजनीति से भी। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि पप्पू और पप्पू की मम्मी भी घूमने आए कश्मीर। यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जिक्र हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी इस वक्त छुट्टियाँ मना रहे हैं, और छुट्टियाँ इन द सेंस कि वो जो है आप कह सकते हैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर हैं, टूर कर रहा कहा जा रहा है। प्रियंका गांधी भी जल्द उन्हें ज्वाइन करेंगी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये पर्सनल ट्रिप है, हम किसी भी पॉलिटिशियन या किसी से यहाँ नहीं मिल रहे हैं, हम यहाँ थोड़ा समय बिताने के लिए आए हैं। तो कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अब इनका क्या होगा जो 370 को लेकर राजनीति करते हैं, जो 370 को लेकर हमेशा ये कहते हैं कि हट जाने के बाद चीज़ें खराब हो गई है, घाटी में चीज़ें खराब हो गई, लेकिन असलियत आप कहाँ छुपाएंगे? जो असलियत यहाँ चीख चीख के बयां हो रही है, इसे आप किसे कैसे ढक देंगे? तो ये आप कहेंगे तो ये एक अलग तस्वीर है। सैला रशीद जैसे लोग जो मोदी के कट्टर विरोधी थे, आज वो भी कहते हैं कि 370 हटने के बाद बदल चुकी है कश्मीर की तस्वीर, और अब जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, मिस वर्ल्ड कैरोलिना जो है बेलसवक और जो है कश्मीर गई हैं, मिस इंडिया सीनी सत्ती भी हैं उनके साथ, मिस वर्ल्ड कैरिबियन एमी पेना भी हैं उनके साथ, तो ये सब जो है विजिट पर है, सुंदर तस्वीर है, सुंदर माहौल है वहाँ का, और उसका पूरा पूरा लुफ्त जो है वो उठाती नज़र आ रही है। जो अब कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जन्नत पहले कहा जाता था, और अब जन्नत जो है असल में देखने के लिए भी मिल रहा है। तो साफ तौर पर कश्मीर की तस्वीर बदली है, और ये उन सभी विपक्षी दलों के विपक्षी नेताओं के, महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों के मुँह पर करारा तमाचा है, जो इस मामले को लेकर आर्टिकल 370 निरस्त होने को लेकर गंदी और ओछी राजनीति करते नज़र आते हैं, सरकार के खिलाफ जहर उगलते हैं, क्योंकि काम बोलता है। और जब आप ऐसी चीजें देखते हैं तो आपको समझ आता है कि जो चीजें की गई है, जो फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं, वो कभी गलत थे नहीं, बल्कि हमेशा लोगों के हित में थे, जनता के लिए थे, और उसका परिणाम भी अब देखने के लिए मिल रहा है कि असल में लोग खुश हैं और इस खुशहाली को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।